तो गाइस, अगर आपको पंजाबी सॉन्ग सुनना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक पंजाबी सिंगर जिनका नेम है श्री ब्राड, उनका लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो गाइस, इनका फुल नेम है श्री ब्राड। तो इनका जन्म पंजाब में हुआ था और 2021 में इनकी एज है 30 ईयर। तो श्री ब्राड प्रोफेशन से एक सिंगर हैं और लिरिसिस्ट हैं। तो अगर बात करें हम इनके फिजिकल स्टेट्स की, तो इनकी हाइट है 5 फीट 6 इंचेस। तो श्री ब्राड का जो पहला सॉन्ग था वो था प्रिंस ऑफ पटियाला, जो कि 2016 में रिलीज हुआ था, और आप उस सॉन्ग का पोस्टर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन्होंने अपनी एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल पटियाला से कंप्लीट की है। और आपको पता है कि उनको गाने लिखने का शौक जब वो 8th क्लास में हुआ करते थे तब से ही है। तो श्री ब्राड 8th क्लास से ही अच्छे अच्छे गाने लिखते आ रहे हैं। इनको असली फेम मिला था जब इनका गाना यार गरारी बाज, जो कि दिलप्रीत टिल्लो और करण ओजला के साथ था, वो आने के बाद। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से कंप्लीट की है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि वो 8th स्टैंडर्ड से ही सॉन्ग लिखते आ रहे हैं, और वो जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन्होंने, और फिर ये चंडीगढ़ चले गए और वहाँ जाकर इन्होंने अपने सॉन्ग्स को अच्छे अच्छे म्यूजिक वीडियोस में प्रेजेंट किया और इनको लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो बात करें अगर श्री ब्राड की हॉबीज की, तो इनको ट्रैवलिंग करना बहुत ही पसंद है। और आपको बता दें कि श्री ब्राड नॉन वेजिटेरियन है और उनका फेवरेट फूड है बिरयानी। आपका कौन सा फेवरेट फूड है, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आपको बता दें कि श्री ब्राड अनमैरिड हैं। तो अब तक श्री ब्राड काफ़ी म्यूजिक सॉन्ग्स, काफ़ी म्यूजिक वीडियोस निकाल चुके हैं, और उनकी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो कि फ्लॉप रही होगी। उनकी सभी वीडियोस को लोगों ने बहुत प्यार किया है। हम तो यही होप करते हैं कि आगे भी उनकी ऐसे म्यूजिक वीडियोस आती रहे और लोग उन्हें पसंद करते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।